हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आपका भी फेसबुक पेज में कुछ इस प्रकार मोनिटाइजेशन इनफेक्ट वाला ऑप्शन आ गया है और आप इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है और यह किस किस कारण आता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, कंटिन्यू ज़रा सा भी स्किप कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन में ले जाता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को अपना फेसबुक को खोल लेना है। फेसबुक को खोलने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि फेसबुक का जो मोनेटाइजेशन है वहाँ पर चल जाना है। मोनेटाइजेशन के वहाँ जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली लिखा होगा मोनेटाइजेशन इनफैक्ट इसका मतलब क्या है, पूरा डिटेल से बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए ज़रा सा भी स्किप कीजिएगा तो आप लोग समझ में नहीं पाओगे। और बाद में मत बोलिएगा सर कि ये वाला ऑप्शन हट नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली क्या लिखा हुआ है, मोनेटाइजेशन इम्पैक्ट। तो नीचे क्या लिखा है, ड्यू टू पॉलिसी वॉलेंट्स योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिट योर रिग्रेट। मतलब क्या है कि आपने ऐसा कंटेंट अपलोड किया है जो फेसबुक के मोनेटाइजेशन के खिलाफ है। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि किस वीडियो या किस फोटो में या किस रील्स में मेरा ये मोनेटाइजेशन इनफेक्ट वाला ऑप्शन आया है, मतलब फेसबुक के पॉलिसी के खिलाफ है वो वाला वीडियो। तो यहाँ पर व्यू में क्लिक करना है। व्यू में क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे में दिखता होगा, नीचे में क्लियरली दिखता होगा कि वो वाला वीडियो क्या है जहाँ पर मोनेटाइजेशन आया है, मतलब फेसबुक का मोनेटाइजेशन पॉलिटिशियन के खिलाफ है या पॉलिसी के खिलाफ है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, इसको हटाने के लिए आप लोगों को यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आप लोगों को तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसके कारण आया है। तो ये वाला है कि जो कि है फेसबुक का कंटेंट पॉलिसी के खिलाफ है। तो इसको सिंपल सा क्या करना है, उस वीडियो को हटा देना है। क्या करना है, हटा देना है। डिलीट कर देने के बाद आप लोगों का वो मोनेटाइजेशन वाला इनफेक्ट हट जाएगा। तो चलिए देखते हैं हटता है कि नहीं। तो चलिए रिफ्रेश एक बार कर लेते हैं पेज को। तो नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इस कारण नहीं हो रहा है। वीडियो को डिलीट कर दिए, उसके बाद फिर से आप लोगों को सी डैशबोर्ड में जाना है और वहाँ से फिर से मोनेटाइजेशन ऑप्शन में जाना है। मोनेटाइजेशन ऑप्शन में जाने के बाद ये मोनेटाइजेशन इनफैक्ट हट रहा है कि नहीं वो चेक करना है। तो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन इनफैक्ट हट गया है, यहाँ पर दिखता होगा बट मोनेटाइजेशन इनफैक्ट हट गया है। कुछ ही देरी के बाद आप लोगों का अपडेट हो जाएगा और ये वाला जो है ऑप्शन हट जाएगा, मोनेटाइजेशन इनफैक्ट वाला ऑप्शन हट जाएगा। दोस्तों कुछ इस प्रकार आप लोग मोनेटाइजेशन इनफेक्ट वाला जो आप लोगों का वीडियो में ये वाला आता है इसको हटा पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जानकारी अच्छा लगा तो।